अलॉट ऑफ कॉलेज हैव लैब जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है मतलब इतने सारे कॉलेजेस हैं तो वो जो लाखों की फीस लेते हैं हर साल दैट इज जस्ट फॉर द डिग्री इज नॉट फॉर स्किल्स

कम वन है जो इंजीनियरिंग में जाती हैं या कंप्यूटर साइंस में जाती हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में जाती हैं कई बार दिमाग में भी होता है थोड़ा सा कि नहीं अगर ज़्यादा पढ़ लिख गए तो सूटेबल मैचेस नहीं मिलेंगे हमें सोसाइटी के अंदर आज का एपिसोड हमारा चाणक्य नीति के बारे में है कैसे चाणक्य नीति को समझ के आप अपने बिजनेसिस में जीत सकते हैं और हमने ये सारी बात करी है एटेक एट सेक्टर के बारे में विथ श्रद्धा खापरा और आज का एपिसोड इंडिया की सारी बड़ी बड़ी एडटेक की जो कंपनीज़ हैं जो एजुकेशन के नाम पे बिज़नेस कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं क्या उनके पीछे रीज़न है क्या वो सही है क्या वो गलत है अगर वो सही है तो क्या चीज़ें सही कर रही है उनसे क्या बेटर सिस्टम में सुधार आ रहा है और गलत है तो किस तरीके से किस हद तक गिर के वो गलत काम कर रहे हैं इन सब के बारे में बात करिए इन टुडेज़ एपिसोड इनफैक्ट आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें लीडरशिप इंडिया एजुकेशन आगे वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या अपॉर्चुनिटी इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो तो फ्यूचर में आपका क्या होगा जब टेक्नोलॉजी सब रूल करेगी इन सब के बारे में बात करी है बट बिफोर यू एंजॉय द शो जाके सब्सक्राइब करो राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट चैनल को क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े पॉडकास्ट में से बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं जो कम समय में आपको बहुत बेहतर लीडर बनाती है एंड बहुत सारी ऐसी क्लिप्स भी हैं जो हम इस पॉडकास्ट में नहीं डाल पाते हैं टाइम की वजह से तो आपको वहां पे अनफिल्टर्ड बी टी एस क्लिप्स देखने को मिलता है इंजॉय टूडे शोटिंग इन स्कूल आई यूज टू रीड अ लॉर्ड ऑफ नॉन फिक्शन सॉरी फिक्शन

और क्या लेसन सिखाई <laughs> ये ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ओके okay. सो <laughs> so, बुरे दोस्त की डेफिनेशन क्या है कुछ बताया भाई जो तुम्हें छल करे और ऐसी काफी सारे हैं एक और है लाइक जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ काटे जाते हैं क्यों फॉर ऑब्वियस रीजन द वुड इज गुड सो यू शुड नॉट बी स्ट्रेट इन लाइफ ओके ओह नाइस इसीलिए थोड़ा टेढ़ा होना जरूरी है तो ये सब चाणक्य नीति में ही हाँ. हुआ

Hmm. वो उसने जिस दिन छोड़ दिया उस दिन सब खराब हो जाएगा so, hmm. इस तरीके की भी चीजें हैं तो एक बहुत fascinating चीज़ है कि I was reading चानक्य का ही एक था लेसन जो मौर्य के लिए नहीं था दूसरों के लिए था hmm. पहले उसके hmm. पहले वैर वो किसी राजा को ये बोलता है कि लाइक like, राजा से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है hmm. right. चाणक्य और ड्रॉज स्पेसिफिक लाइन की ये लाइन के अंदर जो जो रहते हैं hmm. इनके लिए सही करना ही सही है भैत अपनी प्रजा को बचाने hmm. के लिए कर लो hmm. भले बार के लिए तुम गलत हो सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड पीस डेन एग्जिस्टेड बिफोर ऐसा कुछ नहीं है अपना सो डू यू बिलीव इन दिस वैसे world peace. Not world peace. you would do anything just to save interest of your people or your community or your students. Not anything. Obviously, there are uh, some things that my morals won't allow me to do. Hmm. But yeah, I think. Okay. So and uh, th I think that is how India also works. Like. How, how does it work? <laughs> tell me. So we've recently banned uh, import of laptops in India. Uh -huh. So you can't import laptops because we want to boost uh, inner uh, in-house production. Yeah, uh, that is something that will hurt other countries. Hmm. But we have to care about our own people, about our own development and industry. But so, is, is it right or wrong? Is what I'm saying. I think it's right in the long term. If it's work, if if it works well, it's but right. Isn't it wrong for people, let's say, who are in? Uh, अमेरिका वियतनाम, बांग्लादेश कि वहाँ पे लोग कुछ बना रहे हो चाइना और ताइवान, okay? so, ताइवान, ताइवान But, नो दे का सिस्टम ऐसा है usually, cohesiveness कि तुम कुछ अच्छा बनाते हो hmm. तो वो मैं लेता हूँ और मैं जो अच्छा बनाता हूँ तुम hmm. लेते हो राइट hmm. right? अगर जो तुम अच्छा लेते हो वो मैं तुमसे लेना बंद कर दूं और मैं बोलूं कि मैं भले गंदा बनाता हूं लेकिन तो भी मैं अपने तरह प्रमोट करूंगा ताकि एक ना एक दिन अच्छा बनने लग जाए बट इंडिया इज एट स्पेशल पोजिशन वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड नाउ एंड मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ आर पॉपुलेशन इज यूथ पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ थर्टी ईयर्स सो इफ इंडिया लाइक डज गुड देन ग्लोबली everybody like a large chunk of the global population so, is doing good. so I get it but let's say let's talk about Taiwan, right I'm just अब हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे बनाओ लैपटॉप जितने और ना हम तुम्हें कुछ देंगे तो कैसे वर्क करेगी इंडिया सेमी सेमीकंडक्टर चिप अभी तक इंडिया में आई नहीं है राइट उसी के लिए तो फॉरिन Uh, अपनी कंट्री आत्मनिर्भरता पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है हाँ एंड uh, कुछ हद तक हमें करना चाहिए बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ़ यूथ एंड हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा <laughs> un कैसे सोच रहे हो दूसरा बट आई फॉर ऑफ इट क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस uh, देखो चाइना देखो hmm. जो दो कंट्रीज ने सबसे एक्सेप्शन गुड किया ग्रो किया hmm. इन दोनों ने अपने को करने के लिए ऐसी-ऐसी चीजें करी जो शायद वर्ल्ड के फेवर में नहीं थी एंड hmm. इसकी वजह से hmm. so, right? जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो चाइना में बड़ी नहीं है क्योंकि hmm. चाइना प्रमोट करता है uh -huh. खुद की कंपनीज को पहले सो अमेजोन इज नॉट अमेजोन इन चाइना क्योंकि वहाँ बनता है Haan, अगर तुम वहाँ बना तो ऑल दी सॉफ़्टवेयर कंपनीज क्योंकि वहाँ बन नहीं सकती तो नहीं अलाउड हो तुम सेम विद ऊबर ऊबर उन्होंने अलाउ नहीं करी थी लॉन्गेस्ट टाइम तक डी डी शाइंग करके उनका कोई इंटरनल वो है okay. उनका सोशल मीडिया नेटवर्क क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया इसलिए उन वो लोग चाइना वॉज़ स्टाफ्ट कि हमें कोई सोशल मीडिया चाहिए इसकी वजह से टिकटॉक टॉक निकला हुआ हाँ। राइट <laughs> right? तो उन्होंने स्टाफ किया कंट्री को बाउंड्रीज लगा दी आर्टिफिशियल की बाहर के लोग नहीं आ सकते यहीं बनाओ यहीं करो यहीं के लोग सर्व करो एंड देन यहाँ से बना के ग्लोबल चले जाओ सो दैट्स चाइना ऑल्सो ग्रू सो आई थिंक इंडिया इज नाउट डूइंग दिस थिंग्स और इंडिया भी विल ग्रो फास्ट होपली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कर रहे हैं हम लोग बंद करते जा रहे हैं इनफैक्ट यू नो आई रीडिंग अ अ न्यू न्यू बिल आई थिंक उन्होंने पास कर दिया गवर्नमेंट ने पास करेगी कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो चाइना से बुलाते हो इम्पोर्ट करते हो अगर आपका लास्ट ईयर आपने मान लो एक करोड़ का इम्पोर्ट किया था इस साल वो एक करोड़ मत उधर से बुलाओ और इंडिया से ही लो तो हम आपको ट्वेंटी परसेंट सब्सिडी देंगे ओके सो इन केस आपने लास्ट ईयर अगर एक करोड़ चाइना से लिया था वो बंद करके आप इस साल एक करोड़ इंडिया से लेते हो तो बीस लाख रुपये गवर्नमेंट तुम्हें एक्स्ट्रा देगी कि भाई थैंक यू तुमने इंडिया से लिया वहाँ से छोड़ के

फ्री सब्सिडीज़ डू मेक सेंस फॉर पीपल हु आर बिलो द पोवर्टी लाइन जिन्हें एक्चुअली जरूरत है जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए सब्सिडी में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं लाइक like, सब्सिडी uh, के अंदर इफ यू गिविंग फ्री एजुकेशन आई सपोर्ट दैट गिव फ्री एजुकेशन गिव इट टू एवरी गिव स्कूल का कॉलेज का दोनों का एजुकेशन गिव इट फॉर फ्री आई सपोर्ट सब्सिडी ऑफ हेल्थ केयर बिकॉज इट इज़ अ बेसिक नीड सो एनी सब्सिडी जो और डायरेक्टली

देर इज़ डेफिनेटली अ स्किल गैप इन द इंडस्ट्री वो एग्जिस्ट करता है दैट स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं फ़िफ्टीन नेस कॉम का ही ट्वेंटी नाइनटीन mm. का सर्वे फिफ्टीन लैक पीपल ग्रेजुएट एवरी ईयर उसमें सिर्फ ढाई लाख ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रेलिवेंट जॉब्स मिलती है इन द टेक्निकल डिपार्टमेंट द रेस्ट आर एम अनएम्प्लॉयड या फिर दे आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन अदर सेक्टर्स कि इंजीनियरिंग की है लेकिन सेल्स का जॉब चल रहा है या एच आर के अंदर जा रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर चले गए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ना आए तो इस तरीके की चीज़ें तो हैं और इसमें आई बिलीव द रीज़न आर कॉलेज मेरा वो जो है okay. थोड़ा सा कुछ हद तक इंडिया के अंदर चार हज़ार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि उनमें से कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो बहुत कम है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में भी इंडिया के अंदर सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एंड इतने सारे कॉलेजेस हैं तो वो जो लाखों की फ़ीस लेते हैं हर साल दैट इज़ जस्ट फॉर द डिग्री इज़ नॉट फॉर स्किल्स द स्टूडेंट इज जस्ट गेटिंग अ डिग्री आफ्टर पेइंग टेन लैक्स ट्वेंटी लैक्स रुपीज टू दॉलेज तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को अपना टाइम इस इस तरीके की चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ वो एक्चुअली अपस्किल हो रहे हैं जहाँ वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एम्प्लॉयबल हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स तो हैं ऐसा नहीं है जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है या जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उन सबके लिए जॉब्स नहीं hmm. है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है इंडिया के अंदर तो हर स्टार्टअप चाहता है किसी ना किसी तरीके के इंजीनियर्स हायर करे दूसरे सेक्टर्स के अंदर लोगों को ग्रेजुएट्स को हायर करे तो वो जो स्किल का गैप है इट्स कमिंग बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इज़ सॉट ऑफ आउट इन कॉलेजेस कई बार हम वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं जो शायद कोई कंपनी कभी आकर नहीं पूछेगी प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स में कई बार हमारे कॉलेज के टीचर्स के साथ ही हमारा इतना गैप हो जाता है कि वो जो पढ़ा रहे हैं दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द इंडस्ट्री एंड देट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर अस एंड ऑबवियसली बेमन से पढ़ाने वाले टीचर्स वैसे हर टीचर मुझे लगता है अपना बेस्ट ही ट्राई करता है बट कई बार ऐसा होता है कि वो एक गैप आ जाता है तो उस केस में मुझे फील होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें खुद के ऊपर काम करना चाहिए मतलब हार्डवर्क जो है वो खुद को अपस्किल करने पर डालना चाहिए एंड तभी हम बेटर कर पाएंगे एज अ कंट्री तो ये मुझे बताओ कि अगर कॉलेजेस यू साइड चार हजार इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें से पंद्रह हजार पंद्रह लाख इंजीनियर्स निकलते हैं और उसमें से ढाई लाख लोगों की नौकरी लगती है राइट बाकी लोग सिर्फ डिग्री के लिए जाते हैं तो जब डिग्री से नौकरी नहीं लग रही तो डिग्री चाहिए क्यों अब तो कंपनीज़ को भी थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ेगा अपनी तरफ से कि मुझे कैंडिडेट्स को स्किल के बेसिस पर हायर करना है मुझे सिर्फ उसकी डिग्री देखकर उसको हायर नहीं करना जो काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं कई सारी मतलब टेक कंपनीज के अंदर तो यही कल्चर है दैट दे हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ़ योर स्किल्स मोस्ट ऑफ देम और स्टूडेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि ठीक है डिग्री के लिए हम काम कर रहे हैं डिग्री है सबके पास पर उसके अलावा हमें एक लेवल ऊपर जाकर अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज़ आती हैं उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए ठीक है डिग्री को प्रायोरिटी मिलती है पर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है ऐसे व्यक्ति को जिसके डिग्री तो हो पर उसके पास स्किल्स हों तो स्टूडेंट को भी अपने स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे तो ये चेंज थोड़ा थोड़ा हर तरह से सबको लेकर आना पड़ेगा कॉलेजेस को इनफैक्ट कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को थोड़ी रेलिवेंट चीज़ें सिखानी पड़ेगी फॉर द प्लेसमेंट्स एंड फॉर द इंटर्नशिप्स क्योंकि कई बार कंपनीज आती हैं दे आस्क फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड के बारे में ठीक है वी नो इट्स अ जनरल टेस्ट सबको पता होना चाहिए बट नहीं पता होता स्टूडेंट्स को आज की डेट में स्टूडेंट्स ऐसे हैं उन्हें यही नहीं पता कि अपनी फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढें कहाँ पर इंटर्नशिप ढूंढनी है तो ढूंढें कहाँ पर उन्हें प्लेटफॉर्म्स नहीं पता उन्हें ये नहीं पता रेज्यूमे बनाना कैसे है कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं फाइव पेजर रेज्यूमे बना रहे हैं फॉर अ फ्रेशर थ्री पेजर रेज्यूमे बना रहे हैं जो कि गलत है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पर कोई उन्हें बताने वाला नहीं है कि ये चीज़ गलत है एंड दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड इन द इंडस्ट्री तो वो हर जगह से थोड़ा थोड़ा गैप है जिसको धीरे धीरे वो फिल होगा डेफिनेटली वो फिल होगा क्योंकि जो न्यू एज जनरेशन आ रही है द न्यू जनरेशन इज़ इंटरेस्टेड इन यू नो अपस्किलिंग देम सेल्वस दे डोंट वॉन्ट अ जॉब जहाँ वो बस ले कर जॉब और बैठ जाएँ उस तरीके की जनरेशन नहीं है हमारी जनरेशन मुझे फील होता है काफ़ी एक्टिव है एंड दे वॉन्ट समथिंग टू लिव फॉर दे वॉन्ट दे वर्क टू बी मीनिंगफुल सो दैट इज़ वाई दे आर रेडी टू अप स्किल दम सेल्स तो अब ये मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है गलत क्या हो रहा है आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या गलत होता है वॉट डू यू फील इज अ पेन पॉइंट एंड बिकॉज ड योर जर्नी बहुत एक छोटे से टाउन से एंड देन यू एंडेड अपटिंग अ ग्रेट जॉब एंड फिर वो सब कम्फर्टेबल लाइफ छोड़ दी राइट right? उसके बाद ये सब किया तो कुछ तो गलत नोटिस किया होगा तभी ये सब एक्शन लिया तो क्या गलत हो रहा है उस पर बात करते हैं या गलत नहीं हो रहा है तो वॉट यू फील किसकी किस चीज़ की गैप है जिसकी वजह से यू वॉन्टेड टू डू दिस सबसे पहला और शायद फंडामेंटल गैप ये है नॉलेज का बिकॉज मैं मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम मै विलेज इन हरियाणा एंड इवन आई टुक कोचिंग फॉर आई जे एग्जाम। ओके। एंड जब कोचि मतलब कोचिंग ले ली दो साल की उसमें पढ़ लिया पी सी एम पता चल गया ठीक है आई आई टी होता है पर जब एडमिशन का टाइम आया ठीक है रैंक ठीक आ गई पर एडमिशन का टाइम आया पता ही नहीं ब्रांचेज भी होती हैं क्या इंजीनियरिंग में दो साल पढ़ लिया इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के बारे में पर यही नहीं पता कंप्यूटर साइंस होता है सिविल होता है मैकेिकल होता है खुद ही से थोड़ा दिमाग लगाया अच्छा मैकेिकल में कार्स बनाते होंगे सिविल में रोड्स बनाते होंगे तो मुझे लगा रोड्स तो इंडिया में बनी रहे हैं तो हमारी एक जोसा की होती में भरना होता है तो अब एवरी थिंग आई फील्ड इन दैट काउंसलिंग की मुझे एन वारंगल की सिविल इंजीनियरिंग चाहिए mm -hmm. जबकि स्टेटिस्टिकली या थोड़ा सा लॉजिकली भी सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में होती है एंड जनरली मैक्सिमम नाइनटी नाइन परसेंट स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस ही ऊपर भरते हैं mm -hmm. मैंने सबसे ऊपर सिविल इंजीनियरिंग भरी मुझे मिल गई वो तो लकीली दूसरे वाली एक काउंसलिंग के अंदर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी एंड आई वेंट ऑन टू परस्यू कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट द एंड बट मतलब पता ही नहीं स्टूडेंट को कि इंजीनियरिंग की, की तैयारी हो रही है तो क्यों हो रही है क्या ब्रांचेज हैं क्या पैकेजेज हैं तो नॉलेज गैप होता है चलो ठीक है अगर हमें ब्रांचेस का पता है कॉलेज के अंदर हम आ गए तो कॉलेज के अंदर जाके हमें नहीं पता होता कि कंपनीज़ कब आएंगी इंटर्नशिप लगती है तो कब लगती है इंटर्नशिप वाली कंपनीज़ देख क्या रही हैं ठीक है मुझे टेक इंटर्नशिप चाहिए पर उसके लिए मैं पढ़ूँ क्या मुझे यही नहीं पता मैं पढ़ूँ क्या कंपनीज़ जो आके पूछ रही हैं वो कॉलेज मुझे पढ़ा नहीं रहा कंपनीज़ कुछ और ही लेवल का पूछ रही हैं कॉलेज के अंदर मैं लैब्स के अंदर कुछ और ही कर रहा हूँ मतलब आ, आई डोंट वॉन्ट टू सेट बट अलॉट ऑ ऑफ कॉलेजेस हैव लैब्स जिनके अंदर कंप्यूटर्स ही फंक्शनल नहीं है मतलब काफ़ी होता है मतलब इट्स इंडिया हर चीज़ अवेलेबल <laughs> दिख जाती है हमें इंडिया के अंदर बट वो चीज़ गलत है तो सबसे पहला जो गैप है वो तो फंडामेंटल नॉलेज का ही है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कि उसे करना क्या है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कंपनीज़ की क्या एक्सपेक्टेशन है क्या प्रोसेस होगा मैं एक जॉब या इंटर्नशिप लूँ कैसे स्पेशली टेक के अंदर तो वो एक गैप है सेकेंड गैप है कि ठीक है हमें पता होता है थोड़ा बहुत पर एग्जैक्टली exactly कंपनी कितना डिमांड कर रही है ठीक है हमारे सीनियर्स ने बता दिया हाँ ऐसे ऐसे ये पढ़ सकते हो ये पढ़ सकते हो पर कंपनी जब आएगी तो वो एक अलग ही लेवल की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही होती है डू यू फील कि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जनरली इंडिया में मैन ज़्यादा लेते हैं वेमेन से इट इज़ अ फैक्ट इट इज अ फैक्ट कि कि the हाँ, मतलब not saying it, the numbers numbers say it. हाँ. तो क्यों ऐसा होता है Why do you feel कि women, कम है जो इंजीनियरिंग में, में, में जाती है मैं अपने ही बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारे यहाँ जनरली होता है राजस्थान हरियाणा के अंदर कि वीमेन के लिए दे लुक फॉर सेफ जॉब सेफ जॉब्स इन सेंस जहाँ काम भी हो जाए थोड़ा बहुत एंड जहाँ फिर हम अपनी फैमिली क्या भी आफ्टर कर पाए तो उसमें जनरली दो पॉपुलर ऑप्शन होते हैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नॉर्थ में एक होता है नर्स का एंड एक होता है हमारे पास टीचिंग का कि टीचर बन जाओ तो स्कूल टीचर बन गए तो दोपहर तक फ्री हो जाएंगे फिर अपने बच्चों को देख सकते हैं फैमिली को देख सकते हैं नर्स है तो जनरली इट्स 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 कंसिडर्ड पॉजिटिव तो वैसे हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है अब मुझे फ़ील होता है एक रीज़न वो है कि काफ़ी टाइम से शायद वो एक ट्रेंड ही बन गया है एक तो कई सालों से पहले से चला आ रहा है तो कई लोगों को एग्जाम्पल्स दिखते भी नहीं हैं दूसरा कई बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस दूसरे शहरों में होती हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं कि अकेली लड़की को कैसे भेजेंगे वो सिक्योरिटी कंसर्नस भी कई बार होते हैं और कई बार मतलब एक जनरल इंक्लाइंट भी होता है लोगों का कि किस तरफ इंटरेस्टेड है इफ स्कूल uh, के अंदर हम कई बार अपने फ्रेंड्स से इंफ्लुएंस्ड होते हैं अगर हुँ. मुझे नहीं दिख रहे अपने कोई फ्रेंड्स उस डोमेन में जाते हुए तो फिर नहीं लेंगे एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो जो लोग जा रहे हैं वो काफी ज्यादा मतलब कोचिंग लेके इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो कोचिंग में भी आपको जनरली लड़कियाँ कम दिखेंगी इंजीनियरिंग क्यों सेफ्टी नॉट सेफ्टी क्योंकि मेडिकल कोचिंग में देर इज अ फिफ्टी फिफ्टी रे बहुत हाँ तो इनफैक्ट आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट बिफोर आई शिफ्ट टू इंजीनियरिंग जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली एडवाइस किया था कि इंजीनियरिंग मतलब इलेवेंथ में दे वॉन्टेड मी टू टेक अप ह्यूमैनिटीज एंड बिकम अ टीचर विच इज आईनिकल बिकॉज आई टीचर बट उनके कंसर्नस ये थे कि टीचिंग जॉब रहेगा तो आसान रहेगा जॉब मिलना आसान रहेगा अकॉर्डिंग टू देम एंड उसके अलावा हमारी फैमिली में कुछ किसी ने इंजीनियरिंग करनी रखी थी तो उन्हें पता नहीं था कि इंजीनियरिंग ठीक है कर ली तो उसके बाद क्या मतलब जॉब क्या है हाँ. ये क्या है और कई बार दिमाग में भी होता है थोड़ा सा कि नहीं अगर ज़्यादा पढ़ लिख गए तो सूटेबल मैचेस नहीं मिलेंगे हमें सोसाइटी के अंदर तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं uh,

मुझे लगता है बाकी डॉक्टर्स में ऐसा है डॉक्टर डॉक्टर शादी कर लेंगे अपना क्लिनिक खोल दैट इज वेरी कॉमन ओके टेलमी वन थिंग की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनी होती है उनमें ऐसा क्या है कि जो उनको टेक बेस्ट टेक कंपनीज बनाती है फॉर वर्किंग

माइक्रोसॉफ्ट का जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ वेरी सपोर्टिंग कल्चर आई बिलीव आज तक जितनी कंपनीज़ या जितनी कंपनी के लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कल्चर्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया mm. अपने टाइम में एंड लाइक वहाँ पे जैसे जनरली कंपनीज के अंदर क्या होता है क्वार्टरली आपको बताना होता है क्या क्या काम किया मैंने mm. वहाँ पे आपको साथ में ये भी बताना होता है इस क्वार्टर में या इस मंथ में मैंने किस किस व्यक्ति की हेल्प की और किस किस व्यक्ति से हेल्प ली because help lena is also appreciated vobi nah. it's a positive thing nice so वो एक चीज़ है बाकी वहाँ इवेंट्स होते रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें देर इज़ अ लॉट ऑफ मल्टी कल्चर प्रमोशन गोइंग ऑन तो वो आई बिलीव एक पॉजिटिव वाइब लेके आता है पूरी पूरी कम्युनिटी में तो द कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कल्चर है वहाँ का गूगल का जितना मैंने अपने मेंटर के साथ सो आई डिड एस पी एस विच इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्प्रिंट आई वॉज इन्वाइटेड फॉर इट इन गूगल तो उसमें वी बिल्ट समथिंग इन लाइक वन टू मंथ्स तो वहाँ जब मैंने गूगल के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया था तो आई फील गूगल का जो ट इज मोर ऑन्ट्रप्रोरियल एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज किया जाता है कि आप नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर आओ इन जब उस टाइम पे मेरे मेंटर थे तो कि गूगल के अंदर आप uh, कुछ कुछ ऐसी टीम्स भी होती हैं जिनमें आपको बोल दिया जाता है बिल्ड एनीथिंग बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट सिक्स मंथ आप अपना कुछ करो अब मुझे नहीं पता कितना है बट yeah, हाँ लाइक दैट इज समिंग जो फील आई कि काफ़ी ज़्यादा ऑन्ट्रप्रनोरियल स्पिरिट को इनक्रेज करता है तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं सिर्फ नॉर्मल uh, कि हाँ आपके लिए काम कर रहे कंपनी के लिए काम कर रहे नहीं उनके अगर कुछ हिडन टैलेंट्स हैं उनके अगर कुछ इनर डिज़ायर्स हैं कुछ करने के तो वहाँ पे वो एटमोसफेयर वो कल्चर दिया जाता है कंपनी के अंदर रहकर वो सारी चीज़ें करने का तो जब मैंने भी अपने मैनेजर्स के साथ बात की थी कि नाउ आई वॉन्ट टू टीच तो इट्स नॉट लाइक कि दे डिस्करेज कि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो आप ये सब इनफैक्ट दे प्रोवाइडेड मी विदरनेटिव की यू कैन स्टे हेयर एंड डू दिस थिंग वो तो आई हैड अ डिफरेंट पाथ फॉर माई सेल्फ सो दैट इज वाई कुट कंटिन्यू बट अगर मैं पढ़ा नहीं रही होती अगर मैं अपना कॉलेज के साथ नहीं होती तो डेफिनेटली आई वु बीन इट माइक्रोसॉफ्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इंटरेस्टिंग यू नो मैंने गूगल के बारे में ये भी सुना है और जो आपने बोला एक वो सही है मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड है गूगल पर जिन्होंने मुझे बताया कि hmm. मैं उनसे पूछता हूँ कि अभी तुम किस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या काम कर रहे हो नहीं अभी तो मैं इस टीम का पार्ट हूँ जहाँ पे हम कुछ नया बना रहे हैं हाँ, टीम्स चेंज हो जाती हाँ। हाँ। आपके कुछ तो ये तो तू बनाता ये गूगल नहीं बनाता मैंने नहीं, नहीं उन्होंने बोला तुम बनाओ हाँ। तो तुम बनाओ सोचो तुमको अगर अच्छा लग रहा है तो एंड देन हम लोग कुछ बना सकते हैं उसका तो आगे करेंगे राइट एंड उधर एक चीज थी विच ही एंड आई रियली अभी मतलब वो खुद का स्टार्टअप करता है तो पहले वो गूगल पे था तो उसने गूगल ना अपने एम्प्लॉयज़ को स्पॉइल कर देता है हाँ. <laughs> वो चाहता है कि मेरा एम्प्लॉय अगर गूगल पे आए तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपस के अंदर उसे इतनी चीज़ें दे दूँ कि वो स्पॉइल हो जाए ताकि उसे लगे कि मैं इसके बाहर जा ही नहीं सकता राइट तो गूगल में ऐसा कल्चर है कि आपको भूख लग रही है हर हंड्रेड मीटर पे एक स्नैक बार होगा हुँ. तो आप वहाँ से कुछ लेके आ सकते हाँ. हो राइट right? अनलिमिटेड आपके फूड ड्रिंक्स वगैरह सब आपको मिलता जाएगा हुँ. आपको सोने के लिए जगह चाहिए तो स्लीपिंग पॉड होगा आप थक गए हो तो आपके लिए मिल जाएगा आपकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है कि आपको आपको कुछ भी आपको सोना हाँ. है आप सो जाओ आपको नई टीम में काम करना है कुछ नया बनाना है आप नया बना लो हुँ. आपको लगता है आपके पास कोई आइडिया और कोई फंड नहीं कर रहा है गूगल बोलता है भाई मैं आडिया हाँ. तो मुझे आइडिया देख फंड कर देता हूँ ग्रांट दे के तुम बना दो आपको लगता है कि यार आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे आप गूगल के अंदर ही आपकी अपनी टीम बना के गूगल को बता दो कि मुझे ये टीम चाहिए मैं दूसरे

तो ठीक है आपको पता है कि जब पैसे भी बहुत मिल रहे हैं और उसके बाद इतनी चीजें मिल रही हैं हाँ, किसी जनरली मन तो, करेगा हाँ, का। इंडिया में ना कोडिंग का वे हर बच्चा वुल्फ गुप्ता बनेंगे गुप्ता हाँ। ही था ना एट वुल्फ गुप्ता था तो बच्चा निकलता है कोडर बन जाता है और वो मल्टा मिली जॉब लग जाती है उसकी कि कोडिंग बच्चों को कराना इज राइट right? yes. कराना चाहिए तो इतनी जो दिन भर गालियाँ पड़ती रहती है, वा, है जूनियर को, बच्चे, no, no, no. बच्चे कोडिंग कराना इज राइट बिकॉज कोडिंग एट द एंड इज अ स्किल आप hmm. किसी को बोलोगे इंग्लिश सिखाना या फ्रेंच सिखाना इज राइट इट इज राइट सिखाना इज राइट इट इज राइट इट्स जस्ट अ स्किल दैट यू लर्न बट कई बार फॉल्स एक्सपेक्टेशंस जो थोड़ी सी सेट हो जाती हैं कि ठीक है एवरी किड हु लर्नस कोडिंग विल गो ऑन टू गेट अ गुड जॉब एट गूगल इन लाइक क्लास इन लाइक एट्थ क्लास दैट इज नॉट फेयर टू द पेरेंट्स और टू द किड सो प्रामिसिंग बैड प्रोमिसिंग रॉन्ग थिंग्स इज़ बैड बट स्किल्स सिखाना इज़ गुड क्योंकि एट दी एंड बच्चा कॉलेज में जाकर सीखेगा मैं तो चाहती हूँ उससे बेटर उसको पहले से ही पता हूँ चीज़ें अब कोडिंग के अंदर ये है कि एक लेवल ऑफ कोडिंग सीखने के लिए आपको पहले एक लेवल ऑफ थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि कोडिंग के अंदर कई सेक्टर्स में कई डोमेन्स में वो रिक्वायर्ड होता है तो इसीलिए बच्चे को जो कोडिंग सिखाई जाएगी एज कम्पेयर टू किसी कॉलेज uh, स्टूडेंट को जो कोडिंग सिखाई जाएगी उसके लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा एम्प्लॉयबिलिटी hmm. वाली कोडिंग हो सकता है आज हम इस स्टेज पे ना सिखा पाए बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हमें सिखानी चाहिए कोडिंग कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए uh, फॉर मी आई थिंक फोर्थ फिफ्थ से इफ़ यू कैन स्टार्ट बेसिक क्योंकि कोडिंग के अंदर भी कई सारी ऐसी लैंग्वेजेज हैं विच आर वेरी ईजी और काफी स्कूल्स होते हैं जो फिफ्थ सिक्स के अंदर से आपको एच टी एम एल सखाना स्टार्ट कर सकते hmm. हैं तो एच टी एम एल इज़ ऑल्सो अ कोडिंग लैंग्वेज नॉट नेसेसरीली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट बेसिक कोडिंग आप बाहर से सीखना स्टार्ट कर देते हो पाइथन थोड़ी सी ईजियर होती है इंग्लिश जैसा सिंटैक्स होता है तो वो सीखने में थोड़ी ईजी लगती है hmm. तो स्कूल्स के अंदर अब सिखाई जाती है सिक्स सेवंथ के अंदर थोड़ा सा hmm. तो आई फील हाँ उस एज से हाँ करा देना चाहिए तो ए आई वगैरह आ जाएंगे तो नो कोड एप्स बन जाएगी फिर मुझे कोडिंग सीखने की जरूरत है सी ए आई को मैं देखती हूँ एज अ स्किल सॉरी एज अ टूल जिसकी मदद से जो लोग ऑलरेडी कोड कर रहे हैं जो आज जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम और बेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आई डोंट थिंक इट्स कमिंग टू टेक योर जॉब अवे वट विल ह्यूम डू नहीं जॉब नहीं वाली बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ जैसे मुझे ऐप बनानी है राइट आज मुझे कोडिंग सीखनी चाहिए क्योंकि ऐप बनान चाहिए वर्ल्ड वी नीड स्किल्ड इंजीनियर्स पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड जा रही है हर चीज़ में तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा ये माइक भी चल रहा है तो किसी सॉफ्टवेयर की वजह से कनेक्टेड है दो इट्स हार्डवेयर बट उसके अंदर सॉफ्टवेयर की वजह से वो चल रहा है राइट उधर तो मुझे सीखना चाहिए पर ए आ जाएगा तो तो पे जो खुद code लिख दे मैं बोलूंगा कि यार मेरे से चलाने के लिए मुझे एक software बना दे। जैसे दे हैं AI हमारे पास है, वो उतने अच्छे कोड नहीं लिख सकते जितना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख सकता है आज जो है मुझे नहीं पता अगले दस पंद्रह साल में कई कंपनीज इंटरनली बिल्ड कर रही हूँ पंद्रह साल बाद क्या आने वाला है बीस हाँ. साल बाद क्या आने वाला है बट आज की डेट में ऐसे एआई हमारे पास नहीं है जो अच्छा वैसा सॉफ्टवेयर बना देंगे कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक वेब डेवलपर बना पाएगा अब ये डेफिनेटली है एआई एक छोटा कोड का पीस जनरेट कर सकता है जो शायद किसी इंजीनियर को लिखने में हो सकता है पंद्रह मिनट लग जाते एआई ने उसे एक मिनट के अंदर जनरेट कर दिया वो उठाएगा फिट इन करेगा उसे अपनी लार्जर प्रॉब्लम के बीच में तो इट्स इट कैन क्रिएट पीसेज ऑफ अ पजल इट कांट क्रिएट द एंटायर पिक्चर ट इज हाउ आई सी इट बट हाँ वो छोटे क्रिएट करने में हेल्प कर देगा हमें अब ये तो सच बात है कि ऑटोमेशन की वजह से पहले भी जैसे जॉब्स आए थे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आया था काफी जॉब्स गए थे काफी जॉब्स आए थे वैसे ही रेवोल्यूशन होता रहेगा क्योंकि हम वैसे एज अ सोसाइटी वैसे ही yeah. इवॉल्व करेंगे बट जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे या ए आई ही पूरी कोडिंग करने लग जाएगा दैट आई डोंट थिंक विल है मैं बहुत सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ए आई hmm. में तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है एंड बिकॉज आई एम नॉट अ कोडर सो आई डोंट नो कि कोडिंग से क्या पॉसिबिलिटीज़ है hmm. मुझे सिर्फ मैं सिर्फ ए सीख रहा हूँ तो मुझे ए की पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे लग रहा है वाह ये भी <laughs> हो सकता है क्या मुझे तो पता ही नहीं था राइट वेरी एम एचर पर्सन बट आई ट्राई टू कनेक्ट दिस दीज डॉट्स विद अ वेरी हाई पेइंग कूल जॉब विच यूज टू एग्जिस्ट एन ईयर्स अगो ट्रांसलेशन राइट तो आप एक लैंग्वेज सीखते थे, थे क्योंकि आपको पता है एज अ ट्रांसलेटर नहीं खत आपको दुनिया में लोगों को एक दूसरे से बात करना है हुँ. तो आपको जैपनीज़ सीख लो चाइनीज़ सीख लो इनफैक्ट चाइना में बहुत होता था इंडियंस जाते थे चाइनीज़ सीखते थे एंड उनकी लाखों करोड़ों की जॉब्स होती थी सिर्फ इंडिया और चाइना में से लोगों को बात करना जिसको हिंदी और चाइनीज दोनों आती थी राइट सेम फ्रांस में ऐसा हुआ फ्रेंच सीखने स्पेस स्पेन सब सब ने ऐसे किया द मोमेंट ट्रांसलेशन केम लाइक ट्रांसलेटर उसने ख़त्म कर दिया है अब ऑब्वियसली ट्रांस जो ट्रांसलेटर है वो जो मुझे बोलना है आपको वो पूरा नहीं बोल देता है हुँ. पर मुझे जो जो बोलना है हर एक लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन बाई मुझे बतायाता है ताकि आपको समझ में आ जाए हुँ. तो डू यू फील दैट कोडिंग में भी ऐसा हो सकता है कि यार ए के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि मुझे पूरी ऐप में ऐसा बोलूँ कि यार चैट जी पी टी और वड कि एक है ना ऐसी ऐप बना दो वो शायद नहीं बना पाएगा हुँ. पर अगर मैं बोलूँ कि ओके मेरी ऐप में मुझे ये कलर चाहिए ये वाला चाहिए ऐसा यूज़र फ्लो होना चाहिए इसका ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे चार टैब्स होने चाहिए दो फीचर होने चाहिए ये पेमेंट ऑप्शन होना चाहिए इतने टाइम में मुझे लोडिंग टाइम इतना करना है मैं क्या फीचर ऐड करूँ क्या फीचर डिलीट करूँ यू नो आई कैन जस्ट बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वन साम सुपर स्पेसिफिक देन डू थिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा इनस्टेड ऑफ

सिर्फ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते वो एक ह्यूमन टच लेकर आते हैं दे नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क एंड दे वर्क ऑन न्यूअर प्रॉब्लम्स सी ए आई जैसे ट्रांसलेटर्स का अगर एग्जाम्पल लें ट्रांसलेटर्स हमारे पास uh, ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स आए जिसकी वजह से ट्रांसलेटर्स के जॉब चले गए बट उन ट्रांसलेटर्स को बनाने वाले भी काफ़ी जॉब्स आए एंड साथ के साथ ट्रांसलेटर्स में ए आई जिस डेटा पर डेवलप होता है उस डेटा पर काम करने वाले काफ़ी सारे लोग आए एंड एट दी एंड ट्रांसलेटर्स आर नॉट परफेक्ट सो वॉट आर पीपल डूइंग पीपल आर सॉल्विंग बिगर प्रॉब्लम्स ट्रांसलेशन वॉज अ प्रॉब्लम बट बिल्डिंग ट्रांसलेटर्स बिल्डिंग सोफिस्टिकेटेड ट्रांसलेटर्स इज़ अ बिगर प्रॉब्लम तो लोग अब उसको सॉल्व करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो एज अ सोसाइटी वी इवॉल्व So, you Job. feel people should focus more on problem solving through coding rather than seeing coding as a language yes coding is all about problem solving software engineering is problem solving it's not about coding coding to typing hai? Ah. Matlab, uh, ah, it's just type. a language it's a, yeah, it's a, it's ki a, it's a language but ah. as students who see their future in tech we need to be problem solvers interesting all right i have, I have last two three questions for you and by the way, congratulations on your wedding. Thank I you. Just, <laughs> <laughs> that day, like Aman called me and Aman, we were mm -hmm. having conversation, and he told me that oh, you guys recently got engaged, and mm -hmm. I was like, "Wow, I didn't know that. you married. when mm -hmm. did you guys get married? Uh, we married uh, in March. so why did you keep it as the private rakha relationship <laughs> because uh it was time for uh, students ke exams children exams. so it was exam season for JEE students.

So, you guys were dating before, or how did it happen? It was uh, more like a arranged marriage, you okay. can say. Huh. It's more arranged, as in? It's more arranged than dating. Huh. So, like, he approached your it parents? It happened through our parents. Oh, yes. so you guys are family friends, or what? not family friends but uh, i was living in delhi so i was close to their family and then uh, i had a close bond with aman's mother and then everything oh <laughs> okay so it's so aman's mother approached your mother okay. and then kind ah, of <laughs> hey how sweet that is so cute nice and it happened so it's the first time when they came up to you with a uh, like a

द फैक्ट दैट यू हैव सो मनी फॉलोअर्स ओके फैक्ट कि आपके बहुत सारे फॉवर्स हैं आपका इनिशियल अट्रैक्शन अच्छा है काफ़ी लोग आपको सपोर्ट करते हैं एंड श्रद्धा दी दीज बिकम लाइक एन इंटरनेट सेंसेशन इन योर फील्ड राइट इसका मतलब होता है कि इंडियन एजुकेशन इंडस्ट्री में या इंडियन एजुकेशन स्पेस में कुछ कमी है राइट right? क्योंकि वो उनको जो एजुकेशन से नहीं hmm. मिल पा रहा है वो बाहर वैलिड वो ढूंढ रहे हैं बाहर की hmm. कोई हमें सिखा दे एंड यू हैव गॉटन दिस तो ये प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन लेके आ गए तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या अलग कर रहे हो आप मे बी यू एज अ पर्सन एक्चुअली मेक इट टू वट आर यू डूइंग यू एज अ पर्सन जिसके ऐसे लोग से लोग आपसे ज़्यादा रिलेट करते हैं एंड इंडियन एजुकेशन में ऐसा क्या स्पेस है क्या गैप है जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर रहे हो थ्रू अपना कॉलेज जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। सी सबसे पहला तो मुझे आ, मेरे साथ बच्चा क्यों जुड़ पाता है मुझे पर्सनली ये रीज़न लगता है क्योंकि मैंने वो लाइफ जी है जो बच्चा जी रहा है आई ऑल्सो कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स मेरे भी छोटे छः सात भाई बहन हैं मतलब कजिन्स मिला के सारे जिनका आगे फ्यूचर है तो आई नो uh, कि स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मेरे घर पे भी वही सेम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस हो रहे होते हैं सारे जब चाचू मम्मी पापा कॉल कर रहे होते हैं पूछ रहे होते हैं इसको आगे क्या करना चाहिए जो सिमिलर तरीके की चीज़ें आती हैं तो मुझे फील होता है कि कोर लेवल पे मैं पर्सनली रिलेट कर पाती हूँ कि मेरा बच्चा अगर ये कह रहा है स्टूडेंट अगर ये कह रहा है तो वो किस माइंड से या किस बैकग्राउंड से आकर वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है सेकेंड चीज़ uh, हम uh, मेरा खुद का भाई अभी बी टेक कर रहा है ही इज़ फ्रॉम अ कोर ब्रांच एंड ही इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि मेरे भाई की मुझे प्लेसमेंट लगवानी है या उसकी मुझे जॉब लगवानी है तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे बच्चे को कुछ बताऊंगी तो मैं उसको अलग बताऊंगी मैं वही सेम चीज़ें अपने भाई को बताती हूँ वही सेम चीज़ें मैं सबको बताती हूँ तो आई बिलीव वो एक रीज़न हो सकता है एंड uh, अपना कॉलेज के साथ वॉट वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंट इज सबसे पहला तो पहले हम देखते थे कि uh, जैसे पहले तो मैं ये मेरे दिमाग में क्लियर है द बिगेस्ट एटेक कंपनी इज यूटूब हंड्रेड परसेंट इट इज एंड मतलब वहाँ पर जितनी चीजें हुई हैं शायद ही मतलब हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में आएंगे मैचअप करेंगे बट अभी के लिए नो बट इज एबल टू मैचअप क्योंकि YouTube वहाँ पहुँचा है जहाँ दूसरे लोग नहीं पहुँच पाते और आज भी पहुँचता है तो इसीलिए वही हमारा प्राइमरी मीडियम है स्टूडेंट्स तक पहुँचने का एंड इसीलिए हमें फ़ील होता है शायद कोई बच्चे के पास दूसरे रिसोर्सेज ना हो पर एटलीस्ट YouTube पे बैठ के तो वो सीख सकता है इसीलिए हम YouTube पे सबसे ज़्यादा सिखाते हैं एंड hmm. अपना कॉलेज के साथ एक तो हम रिलेटेबल चीज़ें देने की कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ वैसे टैकल करने की कोशिश करते हैं जैसे वो मेरा छोटा भाई है या वो मेरी छोटी बहन है तो वहीं से ही सारी एडवाइस अंदर से आ रही होती है मुझे अगर आ, किसी पॉइंट पे फील होता है तो मैं वीडियोज़ के अंदर बोल देती हूँ कि सोसाइटीज़ ठीक है कॉलेज सोसाइटीज़ क्लब्स ठीक हैं बट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन योर प्लेसमेंट्स शायद कोई ना बोले कुछ और हो मतलब तो मुझे जो जेनविनली फील होता है कि स्टूडेंट को हेल्प करेगा हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ें उन्हें बता रहे हो वही चीज़ें वहाँ तक पहुँच पा रहे हो उसके साथ में आ, अपना कॉलेज के साथ जैसे शुरुआत में ऐसा होता था जब मैं भी कॉलेज के अंदर थी या उससे भी दो साल पहले जब अमन सर कॉलेज के अंदर थे तो उस टाइम पर ऐसा होता था या तो मोस्टली जो कोडिंग या टेक रिलेटेड कंटेंट होता था वो इंग्लिश में होता था या फिर वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ढंग से अवेलेबल तरीके से नहीं होता था ठीक है कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं पर उसमें या तो पूरा नहीं करवाया हुआ या कुछ कुछ टॉपिक्स मिसिंग हैं या वो चीज़ें कैसे हमारी प्लेसमेंट या एट दी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ रिलेट करती हैं या हमें अपस्किल करने के ऊपर रिलेट करती हैं उसके बारे, बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी कि ठीक है किसी ने पढ़ा रखा है सी प्लस प्लस पर मैं क्यों सीखूँ वॉट इज द पॉइंट ऑफ लर्निंग सी प्लस वॉट इज द पाथ और उस पाथ में सी प्लस कहाँ फिट इन होता है वो ज्यादा क्लियर नहीं होता था तो आई बिलीव जब हमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था वी स्टार्टेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो इसी रीज़न की वजह से किया था क्योंकि हमें लगा था कि उस टाइम पर अमन सर बिल्डिंग अपनी कक्षा विद स्टूडेंट ट्वेल्व स्टूडेंट्स तो वहां पर उस टाइम पर वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी की वजह से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी विद स्कूल स्टूडेंट्स बट द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्टेड विद कॉलेज स्टूडेंट्स जिसे आई फील हमने एक स्टेप लेकर सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं नाइस यस दिस अ ग्रेट <laughs> way to explain me how the entire model works. <laughs> I wish you all the best. Ki ye aur chale aur maza aaye ispe. Uh, it was pleasure having you. Thank you so much for being here and Definitely being so candid with pleasure. us. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much ये episode end तक देखने के लिए हमें बताओ कि आपको ऐसे और episodes देखने हैं या नहीं देखने हैं क्योंकि जिस तरह के गेस्ट आपको देखने हैं हम उसी तरह के गेस्ट को इधर लेके आएंगे और उनसे आप ही के सवाल पूछेंगे ताकि आपको हमें और पूरी कंट्री को एक बेटर नॉलेज से हेल्प हो अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट एंड बिफोर यू लीव यू नो कि किसी एक इंसान के साथ शेयर करो क्योंकि एक कॉन्वर्जेसन बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है एंड हमें एक टाइम पे एक इंसान की लाइफ चेंज करनी है जो एक कॉन्वर्जेसन की स्टार्टिंग से हो सकती है सी यू नेक्स्ट टाइम